जय हिंद दोस्तों। चीन भारत में घुसा तो पिटकर लौटा। चीन के 300 सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश करी तो भारत ने जमीन पे जवान तो आसमान में तूफान मचा दिया। और वो तूफान आसमानी कुछ इस प्रकार था कि चाइना दहशत में है भारत के फाइटर जेटों को देख के। कहने का मतलब ये है कि चीन ने अगर एक कदम उठाया तो भारत ने 10 कदम उठा लिए। लेकिन इन सभी के बीच भारत को लेके कई देशों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इन देशों का ऐलान चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और ये ऐलान जिस समय पे किया गया है उसके कई बड़े मायने हैं। जैसे इधर भारत ने बॉर्डर पे चीन को धोया तो उधर संयुक्त राष्ट्र समीक्षा परिषद में कई शक्तिशाली देशों ने भारत के पक्ष में बयान दे दिया। और इसी कड़ी में भारत में चीनी घुसपैठ के बाद अमेरिका, यूएई, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस ने भारत की यूनाइटेड स्टेट में पक्की सीट को लेकर बयान दे दिया। बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बदलाव की मांग की थी। और वहीं दिसंबर महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दिसंबर महीने में भारत अध्यक्षता भी करने वाला है। वहीं इसी बैठक में यूएसए, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएई ने भारत के समर्थन में बयान दे दिया है कि भारत को वीटो मिलना ही चाहिए, भारत को पक्की सीट मिलनी चाहिए। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कुछ दिन पहले भारत की जम के तारीफ करी थी। उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक विकास के क्षेत्र में दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनना ही बनना चाहिए। हालांकि यहाँ भी चीन भारत के खिलाफ एक मजबूत दाव खेलने की तैयारी में लग गया है। चिंता जताई जा रही है कि चीन भारत का कड़ा विरोध कर सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट को लेके, जिससे कि भारत की दावेदारी में कुछ मुश्किलें भी आ सकती है। जैसे कि आप लोग जानते ही है, चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। भारत चाहता है कि भारत जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी चल रहा है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो क्या भारत को वीटो पावर मिलेगी, क्योंकि भारत के अलावा भी कई सारे दावेदार देश हैं जो सुरक्षा राष्ट्र परिषद में स्थायी सीट चाहते हैं या उसके दावेदार हैं, जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान। और वहीं इन सभी देशों का मानना है कि अगर इन्हें स्थायी सीट दे दी जाती है तो ये 15 साल तक वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना और अमेरिका जैसे देश इन देशों को वीटो पावर देने में कतराते हैं कहीं ना कहीं। इन देशों को ऐसा लगता है कि अगर भारत को वीटो पावर दे दी गई स्थायी सदस्य बनते ही, तो भारत कई ऐसे फैसले लेगा कि चीन और अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। आप सभी का इस खबर पे क्या मानना है कमेंट करके बताइए फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।